दो रोज से होने वाली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस वक्त मैं जिलाधिकारी के हेडक्वार्टर गाकुंज में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो रही है और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो गुज़श्ते दो रोज से होने वाली बारिशों और बर्फबारी के साथ इलाके में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। सर्दी की वजह से लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब गिदड़ के बलाई तहसील इशकोमन में पानी तोड़ा गिरने से जो तहसील इशकोमन का जो एरिया है उसका ज़मीनी राबता दिगर इलाकों से कट गया है, जबकि दलनाट के मुकाम पर भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से गिरगित और चतराल का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता है, जबकि बलाई इलाके खुसन तरकुत और टेरू का जो एरिया है वहाँ पर भी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है और लोग अपने घरों में मैसूर हो गए हैं और लोगों को ईंधन और होंजे में सोख्तनी की अदम दस्तियाबी ने भी सख्त परेशानी का कर से दोचार कर दिया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 20 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला जारी रहेगा।